बहुत हो गई खुद की तारीफ, अब मेरी एक शर्त सुनो। 3 दिन ट्रायल पर रखूंगी, अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो नौकरी पक्की होगी। सैलरी होगी 6,000 रुपए। मतलब वंदना की सैलरी क्या थी? 6,000 तो कम है, पर मन्ने चलेगा। देखो मन्ने काम की जरूरत है, हरने काम वाले की तो कर लेंगे। मतलब तुम्हें इतने कम में भी चलेगा? वाह, मतलब नौकरी पक्की ना तुम्हारी? देखो मंजूर तो ना है पर चलेगा। अब क्या करें, होगी थारी तंगी। अब सारे लोग मरे पुराने मालिक की तरह साहूकार तो ना हो सके। मैंने 15,000 देते थे, उतने नहीं मिलेंगे। मांगे भी कौन नहीं, जब थारे पास आ जाए तो दे देना खुशी से। तुम्हारी ना जबान बहुत तीखी है लेकिन दिल बड़ा चीजी है। चीजी समझ में आया? चीजी मतलब मक्खन, दिल बड़ा मक्खन है। तो मैं ना तुम्हें किचन दिखाती हूँ, चलो उठो। थैंक यू भगवान, अब मैं उन्हें देख सकूंगी, उनसे मिल सकूंगी। मिताली भाभी इतनी एक्साइट हो गई कि नाम तक नहीं पूछा। नाम क्या है तुम्हारा? गाय। गाय? यू मीन काव? काव नाम है तुम्हारा? अरे मैडम पूरा तो करने दो, गायत्री। गायत्री है नाम मारा। गायत्री नाम तो बड़ा प्यारा है, अब एक प्यारा सा काम भी कर दो। किचन देखने से पहले यहाँ पे 2 बैग रखे, ये जाके मेरे रूम में रख दो। और हाँ, 2 सूटकेस यहाँ पे भी पड़े, एक ड्राइवर लेके आ गया था, एक मैं खुद लेके गई थी, बाकी के सूटकेस तुम लेके आ जाओ। मिताली भाभी आप प्लीज मेरा रूम दिखा देंगी गायत्री को? हाँ थैंक यू। चलो तनु, तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा फोन आते ही मैं पागल हो गई कि मुझे यहाँ पे वापस आना है। और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं बैर कर ही लेती। आफ्टर ऑल मुझे तो वहां आना ही था जहाँ मेरा सब कुछ है, राइट? इतने सालों बाद फिर इन तीनों का सामना, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या बात सुन रही हो तुम हमारी? हाँ मने ऐसे घटिया सोखना है, मैं तो वो कर रही थी जो मैडम जी ने बोला। जस्ट शट अप, देखा मैंने तुम्हें हमारी बात सुनते हुए। थारे को ऐसा लागे है तो ये रहा थारा सामान, मैं चली। रुको, अरे, रुको, रुको। आलिया के कहने का वो मतलब नहीं था। तनु तुम जानती हो कि मैं किसी का एटीट्यूड नहीं झेल सकती। तभी तो कहूँ किसी और ने रख लो, मैं तो ऐसी हूँ। अरे नहीं नहीं, इनकी बात का बुरा मत मानो। तुम ऐसा करो कि ऊपर जाकर ना सफाई चालू करो, वो पोछा जो है ना वो किचन से ले लो। मैं गायत्री हूँ प्रज्ञा नहीं, इन्हें यही लगना चाहिए कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। किचन का काम तो बता दिया, किचन कहाँ है यो कौन बताएगा, हमारा ताऊ। हाँ वो बहुत इजी है, वो उधर से ना आगे जाके लेफ्ट, हाँ पहला लेफ्ट। इजी है। 1 मिनट रुको, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं, जाओ यहाँ से। शायद कुछ ज्यादा ही हो गया, अगर यहाँ काम वाली नहीं बनी तो उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। देखो मैडम जी, जो थारे को लगा हो मैंने थारी बेइज्जती कर दी तो मैंने माफ कर दो, पर थे भी तो सोचो। क्या सोचना चाहिए तुमसे बात करने के लिए? यो जो हमारी भाषा है ना, हरियाणवी भाषा, लठमार की भाषा है, हम प्यार से भी बात कर रहे हैं ना तो लागे की लट्ठी मार गई, तो यो तो ना बदलेगी। कम ऑन आलिया, उसकी लैंग्वेज ही वही है। हाँ हाँ चलेगी चलेगी, लठमार भाषा भी चलेगी। हो कोची, आलिया मना ना कर दे, नहीं तो ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मिली है ये गायत्री। ये सोचने लगे, जाओ जाके अपना काम करो। अभी क्या करो, वो पोछा ले लेना, बताया ना लेफ्ट साइड में, और ऊपर जाकर सफाई शुरू कर दो। जी काफी हार्डवर्किंग लगती है, देखो काम का नाम सुनते ही कैसे भाग के गई। आलिया मुझे भी अच्छी लगी गायत्री। पलक, ओ हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सॉरी एंड कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस फॉर व्हाट? तुम्हारी शादी के लिए और किसके लिए? नो नो गाइस, नथिंग लाइक दैट।
One second. अरे क्या हुआ पलक? अरे कंग्रेचुलेशंस तो कर रही हूँ. अरे वही तो प्रॉब्लम है, नहीं करना है. क्यों, क्या हुआ? तुम सिंपली सिर्फ इतना समझो कि मेरी शादी के बारे में यहाँ प्लीज किसी से कोई बात मत करना. ओह राइट राइट राइट, आई एम सो सॉरी. मुझे पता है तुमने तो चुपके सबसे मतलब भाग के शादी किया ना तुमने. एग्जैक्टली. पलक एक बात बताओ, अभी तो ठीक है बट कभी ना कभी अपने पेरेंट्स को फैमिली को तो बताओगे ना, तब क्या करोगे? लुक प्राची, सब इधर ही देख रहे हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करें. ओके बाय. अच्छा सुनो सुनो सुनो, पहले तुम बोलो कि तुमने मुझे माफ किया. उस दिन तुम्हारी शादी ऐसे अधूरी छोड़ के मैं चली गई. एक्चुअली क्या था ना, बहुत अर्जेंट कुछ आया था इसलिए मुझे जाना पड़ा, वरना मैं नहीं जाती. आई एम सो सॉरी. ओके ओके, टेक इट इजी. अरे सुनो तो बोलो तुमने मुझे माफ किया. प्राची ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे फ्रेंड्स यहीं पे आ रहे हैं. पहले तुम बोलो तुमने माफ किया. अरे नहीं कर सकती यार, उस दिन मंदिर में मेरी नहीं तुम्हारी और रणवीर की शादी हो रही थी. एक मिनट, क्या क्या बोला तुमने अभी? आई एम सॉरी प्राची, उन्होंने मुझे बताने के लिए मना किया था बट मैंने गलती से, ये सब रणबीर का प्लान था मुझे और जय को यूज करके तुमसे शादी करने का. नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गई थी वहाँ पे, तुम बैठी थी, जय था, पंडित जी थे, तुम्हारी शादी हो रही थी. क्या बोल रहे हो तुम पलक? प्राची तुम अब तक नहीं समझी, रणबीर तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमको खोना नहीं चाहता था इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया. वो तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है. ट्रस्ट मी प्राची, ही कैन डाई फॉर यू. तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें रणबीर जैसा लड़का मिला, बहुत चाहता है वो तुम्हें. आई नो उसका प्लान थोड़ा स्टूपिड था बट रोमांटिक भी तो था, तुम्हें पता भी ना लगे और तुम उसकी हो जाओ. प्लीज डोंट फाइट विद हिम. पलक दोस्त हो ना मेरी, झूठ बोला तुमने मुझसे. स्टे अवे फ्रॉम मी, बात मत करना मुझसे. रणबीर पूछा मिलेगा कहाँ? अरे तेरा हाँ सरिता जी. बेटा मिस्टर मेहरा से मिली? नहीं बस अब मिलने ही वाली हूँ. मैं तो कब से तुमसे बात करना चाहती थी पर वो तुम्हारा पुराना नंबर है ना वही लगा रही थी इसलिए लेट हो गया. अरे आप कैसे भूल गई मैंने नया नंबर लिया. अच्छा सरिता जी मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, बस उनसे मिलने जा रही हूँ. हाँ ऑल द बेस्ट. हाँ घट मानी, शादी करवा के दोनों को इतना दूर रखना ठीक बात नहीं है ना. तू तो माँ है, दोनों को मिलवाया है तो हमेशा हमेशा के लिए क्यों नहीं मिलवा देती? सुनिए मैं हूँ.
सुनिए। आवाज आई। ओह नो, लगता है भाई फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो गायत्री ने पहुंच गई है उस कमरे में। भाई मार देंगे उसे। भाई छोड़िए उसे। गायत्री तुम छोड़ गई। छोड़ी उसे लग जाएगी अभी। भाई मैंने कहा छोड़ा उसे। बात नहीं मानेंगे आप मेरी। डॉक्टर कब तक आ रहा है? आके बोली इंजेक्शन लगा है। भाभी आपसे पूछ रही हूं मैं। वो 10:30 बजे तक आ जाएंगे। गायत्री तुमको चोट तो नहीं लगी? दिखाओ जरा। भाभी दरवाजा बंद कीजिए। गायत्री तुम मेरी लाइफ थी, हो और हमेशा रहोगी। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नाम मेरे भाग्य में है और मेरा नाम तुम्हारे कुमकुम में। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अपने सुहाग की उम्र को नजर नहीं लगने दूंगी। मैं तुम्हारा हो, तुम मेरी हो, हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत प्यार करते हो, मैं तुमसे नहीं देख सकता मैं तुम्हें रोते हुए। किसी को खोने का डर ना कुछ पाने की चाहत से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ और
सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हारी लाइफ में कभी कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत होगा, दुनिया की हर खुशी तुम्हें लाकर दूंगा। तुम यहां नहीं आई हो ना काम करने के लिए? प्लीज यहां से काम छोड़ के मत जाना। डरने की कोई बात नहीं है, यहां सब ठीक है। तुम यहां कुछ दिन रुकोगी ना तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। यहां सब अपने हैं, तुम्हें काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बीजी आप फिर नौकरों से ऐसी बातें करने लगी? अरे क्यों झूठी तसल्ली देती हैं, क्यों सच्चाई नहीं बता देती इनको? अभी पागलों जैसी हरकत करने लगा है, ऐसी हाल में कौन रहेगा यहाँ? मैं तो कहती हूँ उसको कहीं शिफ्ट कर देते। अभी पागल नहीं है, उससे कुछ नहीं हुआ। पागल तो अभी नहीं, तुम लोग हो गए हो। मम्मी मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जाओ, मैं इससे बात करके आती। बेटा मैं अपने पोते की तरफ से तुमसे माफी मांगती, तुम उसे माफ कर दो। उसे ना सिर्फ मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। तो यहां उसे कोई नहीं देता। बेटा तुम मेरी अपनी तो नहीं हो, लेकिन हमदर्दी की उम्मीद मैं तुमसे लगा सकती हूँ ना। बीजी आप चल रही हैं या मैं आलिया को बुलाऊं? तुम्हारे हाथ के लिए दवा भेजती हूँ, लगा लेना। चलो। नहीं, मेरा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। उनके लिए जितना खुद को छुपा सकूं छुपाऊंगी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उनके साथ ही ऐसा क्यों? अपनी बहन उन्हें इस तरीके से मार रही है और ना वो कुछ कर पा रहे हैं ना मैं। दोबारा मेरी बात नहीं मानी ना आपने भाई, तो आपके हाथ मैं बांध दूंगी। मिताली भाभी मौसी को बाहर रखी, वरना इसी से किसी को मार देंगी। मैं क्यों? मिताली भाभी रखे। गौरजी किसी का क्या, अगर इसने मुझसे पहले पोछा उठा लिया ना तो मुझे ही मारेगा उससे। छोड़िए भाई, छोड़िए। मेरा रूम खराब करके रखा है, इलेक्ट्रिशियन को फिर से बुलाना पड़ेगा। वो घर छोड़कर गई है ना, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाली है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है इस घर में। गायत्री चली गई तो घर का काम कौन करेगा? एक बार उससे बात करके देखो। कोई बात करने की जरूरत नहीं, बीजी ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगी। कैसे? अरे बीजी ने उससे कहा है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं,
उसको हमारा साथ देना चाहिए, उसका इस घर में आना उसका भाग्य था, कुछ इस तरह से करके उसका ब्रेन वॉश किया है उन्होंने। ऐसी बातें करके प्रज्ञा का दिमाग खराब किया था ताकि वो घर वापस आ जाए। पर तुम्हारे होते हुए प्रज्ञा घर वापस आएगी कैसे? अभी प्रज्ञा के बारे में नहीं, गायत्री के बारे में सोचो। अगर वो चली गई तो रोज रोज नया केयर टेकर कहाँ से ढूंढेंगे? अरे डरो मत भाई। ताई जी डरना पड़ रहा है, ये जो सर्वेंट्स घर छोड़ के जा रहे हैं ना, ये बाहर जाके अभी का अवतार सबको बताएंगे और फिर कोई भी नौकर यहाँ पे देखेगा भी नहीं। अगर वो गायत्री यहाँ होती भी ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वो तो अभी से बड़ी वाली पागल है। पता है हमारे यहाँ तो वैसी कोई नौकरानी चले जो वो पुरानी फिल्मों में होती ना बहन जी टाइप की। हाँ बहन जी टाइप से मुझे प्रज्ञा याद आ गई, है ना वो बिल्कुल बहन जी टाइप। मतलब वो है ना यहाँ होती तो अभी की ऐसी हालत देखी उससे तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं था। वो ऐसे सती सावित्री बन के अभी के सामने खड़ी रहती और उसकी सेवा करती रहती और अभी ना उसे। मिताली भाभी प्रज्ञा के बारे में नहीं गायत्री के बारे में सोचो, मैं जाके बात करती हूँ। बात करने तो गई है, कहीं कुछ मैसअप ना कर दे। उनकी ऐसी हालत नहीं देख सकी मैं। अगर किसी ने मुझे इस हाल में देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और फिर आलिया मुझे वापस अरेस्ट करवा देगी और मैं उनका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। आज यहाँ से चली जाती हूँ ताकि सबको लगे मैं डर के भाग गई, नहीं गई तो शक हो जाएगा सबको। हमें पता चल गया है तुम्हारा,